हेलो, नमस्कार। वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो लीडरशिप मॉडल्स हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने तीन मॉडल्स जो हैं लीडरशिप के कवर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारा फोर्थ मॉडल है, हर्से ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। सो इससे पहले हमने ग्रिड किया था, मैनेजेरियल ग्रिड जो पहला था। दूसरा हमने ट्राई डायमेंशनल किया। तीसरा हमने फिडलर का कॉन्टीजेंसी मॉडल किया। सो ये जो दोनों मॉडल्स थे, इन दोनों ने ही सिचुएशनल लीडरशिप की बात की है इससे पहले। और ये जो मॉडल है पर्टिकुलरली हर्से और ब्लैंचर्ड का, ये क्या कहता है वो अभी हम देख लेते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो जो हर्से और ब्लैंचर्ड का सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल है, ये किसने दिया है? पॉल हर्से और कैन ब्लैंचर्ड ने। सबसे पहले इन्होंने 1969 में मेंशन किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, और किस नाम से? लाइफ साइकिल थियरी ऑफ लीडरशिप। फिर 1970s के तक आते आते उन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, लाइफ साइकिल थियरी ऑफ लीडरशिप से रीनेम करके इन्होंने सिचुएशनल लीडरशिप थियरी जो है वो इसका नाम रख दिया। सो ये क्या प्रपोज करती है? दैट लीडर्स चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड अपॉन सिचुएशनल वेरिएबल। यानी सिचुएशन के हिसाब से लीडर जो है वो चीजों को, या जो एक्शन लेते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं। यानी कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप मे बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो अलग अलग डिफरेंट जो भी अलग अलग स्टाइल्स होंगे लीडरशिप के, वो अलग अलग सिचुएशन के लिए होंगे। बेसिक अजम्पशन क्या है इस थियरी का? दैट द बेस्ट डिसीजन ऑफ लीडर किस पर डिपेंड करता है? सिचुएशनल फैक्टर्स पे, रेंज ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स पे, कि बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं। अब इन्होंने जो लीडरशिप स्टाइल दिया वो किस पे बेस दिया? अमाउंट ऑफ डायरेक्शन या अमाउंट ऑफ सपोर्ट, कि कितना जो है लीडर सपोर्ट कर रहा है अपने फॉलोअर्स को या अपने ग्रुप मेंबर्स को, और कितना उनको डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो डायरेक्टिंग बिहेवियर के बेसिस पे और सपोर्टिंग बिहेवियर। अब यहाँ पे ये ग्रिड आपको दिख रहा होगा, अगेन यहाँ पे क्या है, ये वाई एक्सिस पे आपको सपोर्टिंग बिहेवियर दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस पे आपको डायरेक्टिंग बिहेवियर दिख रहा होगा। इससे पहले जब हमने मैनेजेरियल ग्रिड की बात की थी, उसमें हमने किसकी बात की थी? कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, टास्क या प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने ट्राई डायमेंशनल में क्या किया, उसमें ऐड कर दिया इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिडलर में हमने नई चीज पढ़ी थी, एलपीसी थ्योरी, यानी लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कितना डायरेक्ट कर रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है उस बेसिस पे। सो यहां पे आप ये याद रखेंगे, ये S1 बोल रहे हैं, ये S2 रहेगा, ये S3 और ये S4। डायरेक्टिंग बिहेवियर अगर हो, यानी कि सपोर्टिंग बिहेवियर कम है, डायरेक्टिंग बिहेवियर ज्यादा है, तो S1। इसको बोलेंगे सेकंड वाले को कोचिंग, जिसमें दोनों ही जो है वो इक्वल है, सपोर्ट भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। थर्ड होगा सपोर्टिंग, जिसमें सिर्फ सपोर्टिंग, ये देखिए सपोर्टिंग अगर ज्यादा है तो सपोर्टिंग बोल रहे हैं, डायरेक्टिंग अगर ज्यादा है तो डायरेक्टिंग, दोनों हैं तो कोचिंग, और अगर एक है यानी सिर्फ सपोर्टिंग मेजर पोर्शन, या दोनों का इक्वल इक्वल है सपोर्टिंग और बिहेवियर का, जैसे हमने ग्रिड में किया था ना 1-1, वही वाली सिचुएशन हो गई एक तरीके से ये। सो ये डेलीगेटिंग हो गया। ठीक है जी, तो आप ये नाम याद रखेंगे, S1, S2, S3, S4, डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग और डेलीगेशन। अभी थोड़ी देर में आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो चीजें हैं, यानी कि कोचिंग को, ये जो दोनों के दोनों हर्से और ब्लैंचर्ड हैं, इनके अपने अपने व्यूज थे इस चीज को लेके। एक कह रहे थे कि डायरेक्टिंग वर्ड यूज करना चाहिए, एक कह रहे थे टेलिंग वर्ड यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने वर्ड्स भी अलग अलग दिए थे, जिसकी वजह से इनका स्प्लिट आउट भी होता है लास्ट में। सो एक बार डायरेक्टिंग के मतलब देख लेते हैं। एक होगा डायरेक्टिंग लीडर, यानी जो रोल को या टास्क को डिफाइन करेगा फॉलोअर्स को और उनको सुपरवाइज करेगा क्लोजली। यानी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? लीडर के पास। और कम्युनिकेशन एक तरीके से वन वे है, क्योंकि लीडर से बता रहा है सबको, डायरेक्टिंग बिहेवियर, वो हर चीज में डायरेक्ट कर रहे हैं उनको। ठीक है, मतलब डिसीजन भी उनके पास है, चीजें भी वही बता रहे हैं, रोल्स भी वही बता रहे हैं किसने क्या करना है। तो सारी चीजों की तरफ कौन डायरेक्ट कर रहा है? डायरेक्टिंग लीडर। सपोर्टिंग का रोल नहीं है यहाँ इतना। फिर आता है कोचिंग लीडर, यानी वो डिफाइन तो करेंगे रोल्स को या टास्क को, लेकिन आइडियाज भी मांगेंगे, आइडियाज सजेशन अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे आइडियाज लेंगे, लेकिन लास्ट में जो डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी वो लीडर के पास ही रहेगी। हाँ, ऑल्दो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या हो गया? टू वे हो गया। ठीक है, हमने ये दो चीजें पढ़ी, यहाँ पे डायरेक्टिंग, ये है क्या हमारा S2 कोचिंग लीडर, और S1 क्या है हमारा? डायरेक्टिंग लीडर, ये याद रखिएगा। फिर है सपोर्टिंग लीडर, यानी कि S3,
पास डे टू डे डिसीजन सच एज टास्क एलोकेशन, प्रोसेस टू द फॉलोअर्स, द लीडर फैसिलिटेट्स एंड टेक पार्ट इन डिसीजन बट कंट्रोल इज विद फॉलोअर्स, यानी सपोर्ट कर रहे हैं ये एक तरीके से। ये वाला फैक्टर क्या था हमारा, माइनस से पॉजिटिव, मतलब बढ़ता हुआ सपोर्टिंग बिहेवियर, और सपोर्टिंग बिहेवियर अगर ज्यादा है तो ये जो हमारा S3 था, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर फॉलोअर्स के पास रहेगी या ग्रुप मेंबर्स के पास रहेगी, लेकिन ये यहाँ पे डिसीजन मतलब टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, सपोर्टिंग लीडर वाले केस में, कि लीडर जो है वो सपोर्ट करने के लिए है, डिसीजन लेने के लिए नहीं है। डेलीगेटिंग लीडर आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन कंट्रोल किसके पास रहेगा, फॉलोअर्स के पास, फॉलोअर्स ही डिसाइड करेंगे कि कब और कैसे जो है लीडर को इन्वॉल्व किया जाए। यहाँ पे लीडर इन्वॉल्व हो रहा था सपोर्टिंग में, लेकिन यहाँ डेलीगेटिंग में तो बता भी फॉलोअर्स या ग्रुप मेंबर्स रहे हैं कि कहाँ पे आएगा लीडर का रोल, ठीक है जी। सो ये तीन चीज, चार चीजें हमने पढ़ी। अब इसमें आपको याद रखने वाली चीज ये है कि सपोर्टिंग और डेलीगेटिंग में कंट्रोल किसके पास है, डिसीजन का, फॉलोअर्स के पास, और कोचिंग और डायरेक्टिंग में किसके पास है, लीडर के पास, ठीक है। और बिहेवियर, डायरेक्टिंग बिहेवियर और सपोर्टिंग बिहेवियर के बेसिस पे ये जो हमारा हर्से और ब्लैंचर्ड का मॉडल है वो बेस करता है। अब जो चीज ध्यान रखने वाली थोड़ी सी, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाने लग गए और ज्यादा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1977 में स्प्लिट कर लिए थे दोनों ने अपने एजेंडाज, जो हर्से और ब्लैंचर्ड थे, और उन्होंने बाद में क्या किया, क्योंकि इनकी जो चीजें थी, थिंकिंग थी, कई जगह मैच नहीं हो रही थी। हर्से चाह रहे थे कि रेडीनेस वर्ड का यूज किया जाना चाहिए, जबकि ब्लैंचर्ड किसको प्रेफर करना चाह रहे थे, डेवलपमेंट को, और हर्से का था कि डायरेक्टिंग की जगह टेलिंग यूज कीजिए, यानी ब्लैंचर्ड का ये जो है, ये ब्लैंचर्ड का व्यू है, वर्ड्स जो हैं, और यहाँ पे अगर मैं हर्से के पॉइंट ऑफ व्यू लिखूं, सो वो डायरेक्टिंग को बोल रहे हैं उसकी जगह टेलिंग, कोचिंग की जगह वो बोल रहे हैं सेलिंग, और सपोर्टिंग की जगह वो बोल रहे हैं पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। बट बाद में इनकी चीजें नहीं जमी और इन्होंने कोई कॉमन ग्राउंड पे ये लोग नहीं आए, सो 1977 में इन्होंने जो है वो अपने रास्ते अलग कर ले, क्योंकि 1969 में तो ये मॉडल दिया ही था, उसके बेसिस पे फिर 1970s के मिड की बात करें तो इन्होंने नाम चेंज किया था और ये सिचुएशनल वाला नाम रखा था, और फिर 1977 में इनके रास्ते अलग हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने एक ने सिचुएशनल जो लीडरशिप है वो टू करके भी एक थियरी दी बाद में, ठीक है। बट हमसे इन दोनों की कंबाइंड थियरी पूछी गई है, सो हम ये डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग, और डायरेक्टिंग को ये टेलिंग बोलना चाह रहे थे, या ये सेलिंग और ये पार्टिसिपेटिंग, ये वर्ड्स याद रखेंगे, प्लस जो हमने पढ़ा कि डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग, डेलीगेटिंग लीडर्स क्या होते हैं वो याद रखेंगे। सो ये हमारा छोटा सा मॉडल था, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ समझ ना आया हो सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हमारा फिफ्थ जो है LMX थियरी करके एक मॉडल है, LMX थियरी, LMX मॉडल, जिसको लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल भी बोला जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उसके साथ हमारे क्या हो जाएंगे, लीडरशिप के जो मॉडल्स हैं पांच हमारे सिलेबस में एजुकेशन के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।